ये घटना धुले जिले की है। एक युवती उसकी माँ के साथ ऐसे बाजार से जा रही थी, तो वहाँ पे जो दो युवक थे उन्होंने उनसे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। ऐसे एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन भी वही हुआ, वही दो युवक आए, फिर से उन्होंने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। लेकिन युवती वो स्वसंरक्षण प्रशिक्षण वर्ग में आ रही थी, तो उसके मन में वो आत्मविश्वास जागृत हुआ, वो डरी नहीं, उन्होंने उन दोनों लड़कों को मार भगाया। तो ये प्रतिकार क्षम अगर हम बनते हैं तो किस प्रकार से हम प्रतिकार कर सकते या सामने वाले को उत्तर दे सकते हैं, ये प्रशिक्षण वर्ग से हमें ध्यान में आता है। आज साप्ताहिक स्तर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में 95 प्रशिक्षण वर्ग शुरू है। इसके माध्यम से 400 से अधिक युवक इस प्रशिक्षण वर्ग का लाभ उठा रहे। उसी प्रकार से जो युवक आगे जाके खुद सीख के अन्यों को सिखाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, ऐसे युवकों के लिए हमने ऑनलाइन प्रशिक्षक वर्गों के लिए भी योजना की थी। इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से अभी हमारे पास ईश्वर की कृपा से 100 से अधिक प्रशिक्षक जो समाज में जाके प्रशिक्षण दे सकते हैं, ऐसे युवक युवती उपलब्ध है। तो आपके जिले में, आपके राज्य में अगर आप ये प्रशिक्षण वर्ग शुरू करते हैं तो हम आपको पूरी तरह से ये प्रशिक्षण देने में सहायता कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि युवा जो आगे जाके धर्म कार्य में सक्रिय होना चाहते हैं, तो हम इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से या अलग अलग हम शिविर भी लेते हैं, तो उसके माध्यम से ना कि उन्हें सिर्फ शारीरिक स्तर पर हमें उन्हें सक्षम बनाना है, तो उनकी शारीरिक के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी उन्हें हमें सक्षम बनाने, उन्हें कार्य की दृष्टि से हमें दिशा देनी है। समाज में जाके किस तरह से हमें वार्तालाप करना है, किस प्रकार से हिंदू धर्म का, हिंदू राष्ट्र का कार्य किस प्रकार से बताना है, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।